नमस्कार, फाइनेंशियल मार्केट के एक नई वीडियो के साथ आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय फाइनेंशियल पर। आज फाइनेंशियल मार्केट के एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हमने इसे पिछले वीडियो में पढ़ा था, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसकी क्यों आवश्यकता है। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को चैनल पर भी क्लिक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर द 12 स्टूडेंट्स एंड द टॉपिक ऑफ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ऑलवेज इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, सो बी केयरफुल और इसे देखेंगे कि क्या होता है। एक्चुअली मैं इसके ऊपर तीन चार वीडियो बनाएंगे, आज एक बेसिक टॉपिक के ऊपर मैं इसको बना। तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स। फाइनेंशियल मार्केट को सबसे पहले हम टाइप्स तो बना रहे हैं, किस बेस पर बना रहे हैं। एक्चुअल में फाइनेंशियल मार्केट में जो सिक्योरिटीज सेल होती हैं, वो कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू एक साल से पहले, एक साल होता है यानी कि एक साल में आपने ले भी लेना है उसको सेल भी करना है। ठीक है, और कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए इश्यू की जाती है। इस मैच्योरिटी वैल्यू के आधार पर ही हम फाइनेंशियल मार्केट को दो टाइप से बांटते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें उन सिक्योरिटीज को सेल परचेज किया जाता है, उन सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन होती है जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू एक साल से कम हो। ठीक है, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू एक साल से क्या हो, कम हो, उसे क्या करेंगे आप, सेल परचेज करेंगे। दूसरा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू एक साल से ज्यादा, जिसे सेल परचेज करना एक साल से ज्यादा के लिए इश्यू करते हैं। इसमें आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इन चीजों को आप परचेज सेल करते हैं जो कि अमूमन एक साल से ज्यादा, पांच साल, सात साल या कई बार शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स को कंपनी की लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम जैसे कि कमर्शियल में कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर भी। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में आपने दो चीजें और देखी, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इन दोनों पर अलग अलग वीडियो बनेगी। यहां बता दूं आपको, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जो सिक्योरिटीज को क्रिएट करती है। इसका मेन काम क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, क्रिएशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, यानी कि जिस मार्केट में पहली बार नई सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बोलते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स को परचेज सेल किया जाए, फर्स्ट टाइम जिस मार्केट में परचेज सेल होता है उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। एक बार परचेज सेल कर दिया, अब कस्टमर एक दूसरे को सेल परचेज करते थे, कंपनी ने पहली बार शेयर इशू कर दिए, वो किसमें होगा, प्राइमरी मार्केट। अब कंपनी साइड में, अब जिसने खरीदे हैं वो अपनी इच्छा अनुसार दूसरे को बेचेगा, दूसरे कस्टमर को, दूसरा दूसरे को, तीसरा चौथे, यानी कि ट्रांजेक्शन चलती रहेगी। वो जो ट्रांजेक्शन होगी वो सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो मनी मार्केट क्या है, आज हम इसमें पढ़ेंगे मनी मार्केट क्या है, इसमें कौन कौन से सिक्योरिटीज है और इसके फीचर्स है। पहला मैंने बताया मनी मार्केट मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर लेस देन मनी, जहां पर सिक्योरिटीज को एक साल से
तो आप यहीं पर इसी वीडियो में साथ साथ हम कवर करेंगे फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। सबसे पहला फीचर करेंगे नंबर वन मोर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप अपने सिक्योरिटीज को कितनी जल्दी सेल परचेज करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया मनी मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉल मनी जो है वो 15 दिन के लिए ही होती है। ठीक है, 15 दिन में ही आपने खरीदना और उसको सेल भी करना। तो यहां पर आपको अपनी सिक्योरिटीज जल्दी से कन्वर्ट करने हो जाती है। इसमें कैश में इसलिए से क्या बोलेंगे मोर लिक्विड। ठीक है, इसलिए इस बिजनेस मार्केट में हम क्या कहेंगे मोर लिक्विडिटी का फीचर मिलता है। ठीक है बात। उसके बाद सेकेंड हम बात करेंगे लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्चुअल में ये मार्केट ज्यादातर जो होती है वो गवर्नमेंट आरबीआई विभिन्न कमर्शियल बैंक्स के बीच होती है। आम जनता इसमें पार्टिसिपेट बहुत कम करती है, तो इसलिए जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी बहुत कम कॉस्ट पर होती है, ज्यादा कॉस्ट पे नहीं। तीसरा, जैसा कि आपको पता ही है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को सेल परचेस किया जाता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को सेल परचेस किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया ये मनी मार्केट है ही क्यों, ताकि जिसमें हम उस तरह की सिक्योरिटी सेल करें जो एक साल के अंदर अंदर किसमें कन्वर्ट करनी होती है कैश में कन्वर्ट करनी होती है। किसमें कन्वर्ट करनी होती है कैश। ठीक है बात, कोई डाउट है? उसके बाद हम कहेंगे कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट्स। कंसिस्ट मैनी सब मार्केट्स, कई सारी छोटी मार्केट्स को कंसिस्ट करती है। जैसे कॉल मनी के लिए अलग मार्केट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अलग मार्केट है, इसलिए इसमें हर पार्ट के लिए हर इंस्टॉलमेंट के लिए एक अलग से मार्केट है। तो इसलिए हम कहेंगे कंसिस्ट मनी सब मार्केट, मनी सब मार्केट। पांचवा है मनी स्पीड ट्रांजेक्शन। स्पीड भी होती है इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में होती है, बहुत जल्दी डिलीवरी भी हो जाती है, ट्रांजेक्शन भी हो जाती है। ठीक है, और इसकी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस जो है इंटरेस्ट रेट भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे स्पीडी ट्रांजेक्शन। तो ये नॉर्मल से वीडियो इंट्रोडक्टरी थी। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, ठीक है ये क्या है इनके ऊपर आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहली वीडियो फाइनेंशियल मार्केट क्या थी, दूसरी वीडियो टाइप्स